कराची के बाद रुक करेंगे मलका कोहसार का। सैर करनी है तो पहले मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, हुस्न देखना है तो पहले ट्रैफिक के चुंगल में फंसना पड़ेगा। ईद के तीसरे रोज ही मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। इस सूरत हाल पर बात करते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे बिलाल आफरीदी से। बिलाल, बताइएगा इस वक्त मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता रोज़ की नस्बत जो है आज तो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रैफिक जो है बिल्कुल रवानी के साथ जो है वो जारी है। इस वक्त हम एक्सप्रेसवे फुलग्रां टूल प्लाजे पर मौजूद हैं, जो कि मरी की जानिब से जो वो पहला टूल प्लाजा है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जारी है। गुज़श्ता दो दिन के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो एक जामे प्लान तश्कील दिया है। और इसके वाले से मैं आपको बता चलूँ कि मोटरसाइकिल सवारों को, अगर आप मेरे पीछे देख सके, तो उनको जो है वो रोक लिया गया है। यहाँ पर उनको मरी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मोटरसाइकिल सवार जिनमें मनचले या जिनमें सिर्फ लड़के शामिल हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं जा रही, जबकि मरी के मकामी लोग या जो फैमिलीज़ के साथ मोटरसाइकिलों पर मरी जा रहे हैं, सिर्फ उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी खड़ी है टूल प्लाजों पर। तमाम मोटरसाइकिल सवारों के जो है वो कागजात भी चेक किए जा रहे हैं, और जो वन व्हीलिंग में जो है वो नौजवान जो है मुलविस पाए जा रहे थे, उनके जो है मोटरसाइकिल भी जो है वो जब्त किए जा रहे हैं, थानों में बंद किए जा रहे हैं। तो हम इस वक्त जो है ये फुलग्रां टूल प्लाजे पर जो है वो काफ़ी रश है, नौजवान जो है यहाँ पर खड़े हैं, और मरी की जानिब जो है वो बहुत सारे सयाह आज भी मरी का रुख करे। तो हम इस वक्त तक जो है मरी से भी जो है हमें इतला यही आ रही है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त नॉर्मल है और ट्रैफिक का जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। जी।